दोस्तों मेरे चैनल सी एन सी बेसिक को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सही समय पर मिल सके वीडियोस। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cnmgbasic.com पर। दोस्तों आज जो है MEERUT की सारी जानकारी यहां लेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला पार्ट जो होता है ये वाला WNMG, बाकी जो था मैंने आपको सबसे पहले W और मैंने आपको ये बता दिया था ये ज्योमेट्री होती है हमारी और ये जो होता है हमारा ग्रेड होता है। मैं लिख देता हूँ पहले, आज सबसे पहले जो है हम इसको समझेंगे, इसके बाद में समझेंगे। ये हमारी क्या कहलाती है, शेप ऑफ MEERUT, हमारे MEERUT का आकार क्या है। ओके, सेकंड जो है दोस्तों हम ये समझेंगे ये ज्योमेट्री, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये है हमारी ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, और ये तीसरा वाला क्या है, ये है हमारा MEERUT का ग्रेड कि ये किस चीज का बना हुआ है और ये कौन से मटेरियल पे काम करेगा। तो ये हो जाती है हमारी MEERUT की ग्रेड। ठीक है दोस्तों, अब ये तीन चीजों को जो है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्या है ये, बाकी ये सब चीजें ये अभी बाद में बताऊंगा, इसके थोड़ी देर बाद में आपको। पहले आप ये समझ लो कि ये क्या है, ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे WNMG पे। मैंने आपको बताया था कि ये WNMG की MEERUT है हमारी, ठीक है, आप इसकी ज्योमेट्री देख पा रहे हैं, ये जो है ये ज्योमेट्री है और इसका साइज जो है बड़ा है, ठीक है, ये भी एक ज्योमेट्री है। देखिए दोस्तों ये भी एक ज्योमेट्री है, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री आपने देख ली थी। अब मैं आपको तीसरे वाले की ज्योमेट्री दिखाऊंगा। दोस्तों ये देख लीजिए तीसरे वाले की ज्योमेट्री है ये, इस तीनों की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपको पता है ना, जो मैंने आपको बताया था ये वाली ज्योमेट्री होती है। ये देखिए ये जो है ये जो डिजाइन है ना ये ज्योमेट्री है हमारी, ठीक है, ये ज्योमेट्री हो गई। शेप आपने देख लिया कि W वाला शेप कैसा है, W का शेप ऐसा है, ठीक है दोस्तों। और ये ग्रेड जो बताया था मैंने कि काला है पीला है, ये अलग अलग ग्रेड बना हुआ है इसका। तो ये WNMG आप देख चुके हैं और साइज जो है ना, साइज जो है अलग मैटर है, साइज पे बाद में मैं आऊंगा, ठीक है, ये साइज हमारा क्या है इस पर बाद में आते हैं। अब मैं चलता हूं दूसरे MEERUT पे जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, टी। देखिए दोस्तों टी में मैंने काफी सारे MEERUT यहां पे संभाल के रखी हैं, अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा सारा। दोस्तों ये सबसे पहले एक पीली वाली MEERUT उठा लेता हूं मैं, ये देखिए आप, दोस्तों ये पीली MEERUT है, ये देखिए इसकी ज्योमेट्री किस हिसाब की बनी हुई है, ठीक है। अब मैं दूसरी दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये दूसरे वाले का डिजाइन कैसा है, ये ज्योमेट्री हो गई और ये काले रंग की है, ये दूसरे ग्रेड का है, इसमें दूसरी ग्रेड का, ये दूसरे मटेरियल का बना हुआ है, ये SS के लिए है और पीली वाली जो थी वो MS के लिए है। तो ये ग्रेडिंग जो है दोस्तों ये कंपनी बताती है आपको, ठीक है, ये टी है, टी के बाद में आगे की बात नहीं बता रहा, केवल टी बता रहा हूं, टी और दूसरा बता रहा हूं आपको ज्योमेट्री और तीसरा बता रहा हूं मैं आपको जो MEERUT का ग्रेड है। ओके, इस तरीके से पता लगता है ये टी है क्योंकि ट्राइगनल है। तीसरी MEERUT देखिए आप, ये देखिए इसकी ज्योमेट्री अलग है, तो कुछ ना कुछ इसका जो डिजाइन है ना दोस्तों चेंज होता है। तो कंपनी दावा करती है चिप ब्रेकिंग ज्योमेट्री है हमारी, ये चिप को ब्रेक करेगा, तो इसके हिसाब से अलग अलग डिजाइन होता है, हर कंपनी का अपना डिजाइन अलग है और हर कंपनी अपने डिजाइन का जो है
अलग अलग नाम रखती है, कोई जीएम टीएम पीएम, जो कंपनी ने अपना उसका डेजिग्नेट किया हुआ उस हिसाब से उसका नाम रख देती है उसका। ठीक है दोस्तों, ये टी है हमारा। अब दोस्तों आपने टीवी देख लिया सारा हमारा, अब हम चलते हैं सी पे। सी दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सी है। ठीक है, अब सी में देखिए, सी में कैसा डिजाइन बना हुआ है। तो ये ज्योमेट्री है। ठीक है, हर कंपनी का जो है ज्योमेट्री का अपना अलग अलग नाम है। ये चिप ब्रेकिंग ज्योमेट्री है, आप देख रहे हैं सारी की सबकी ज्योमेट्री अपनी अलग अलग ज्योमेट्री बनी हुई है। ठीक है, ये सी है हमारा सी। अब मैं दूसरा पे आता हूं, इसकी ज्योमेट्री देख रहे हैं आप, इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री होती है, हर इंसर्ट में ज्योमेट्री जहां पे होगा, ज्योमेट्री में क्या होगा उसका नाम चेंज हो जाएगा, जीएम या जो भी कंपनी ने अपना नाम रखा हुआ वो काम होगा। अब दोस्तों अब देखिए, ये कितनी छोटी इंसर्ट है इसके कंपैरिजन में। ये देखिए, ये इंसर्ट हमारी कितनी बड़ी है और ये इंसर्ट हमारी छोटी है और इससे भी छोटी हमारी ये है। लेकिन ये है क्या, ये सारे इंसर्ट हमारी सी है, सी शेप है। तो मैं दोनों को उठा के दिखाता हूं आपको एक एक करके। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये सी है और देखिए सी में क्या है, सी से मैंने बोला था आकार का मतलब है, आकार देखो दोनों का एक ही है, देख लो आप आकार, आकार एक है लेकिन साइज क्या है, साइज अपना अलग अलग है। तो वो आगे बताऊंगा मैं साइज कहाँ पे है इसमें। और देखिए दोनों की ज्योमेट्री भी अलग अलग है, इसकी देखिए ज्योमेट्री और इसकी देखिए ज्योमेट्री। तो हर कंपनी का अलग अलग इंसर्ट है, अलग अलग ज्योमेट्री है। दोस्तों ये आप देख चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं वी, जो मैंने आपको वी है ना वी लिखा हुआ है बोर्ड पे भी दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये वी है। अब एक देखिए कितनी बड़ी है और एक देखिए कितनी छोटी है, ये दोनों है वी। अभी आपको कुछ नहीं देखना, केवल इंसर्ट का शेप देखना है। और देखिए दोनों की ज्योमेट्री भी अलग अलग है ना, अलग देख पा रहे होंगे कैमरे पे, आपको साफ हो रहा होगा बिल्कुल वीडियो। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये वी शेप है। अब ये जो कॉर्नर देख रहे हैं और ये कॉर्नर, ये मैं बाद में अभी आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों ये देखिए, ये डीएनएमजी की इंसर्ट है। अब इसकी आप ज्योमेट्री देख पा रहे हो, कैसी ज्योमेट्री है इसकी, ये देखिए ये ज्योमेट्री देखिए, इसका डिजाइन ही अलग है बिल्कुल, है ना, ये बिल्कुल अलग ज्योमेट्री है। दोस्तों अभी आपको जो दिखाया मैंने, तो आपको मैंने तीन चीजें दिखाई हैं, तीन चीजें क्या क्या, शेप डब्ल्यू सी सी डी टी वी एस। तो ये क्या है, शेप ऑफ द इंसर्ट, हमारे इंसर्ट का आकार क्या है। ठीक है, और मैंने आपको दूसरा दिखाया ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपने देख ली सारी इंसर्टों की, अलग अलग ज्योमेट्री बनी हुई है। ठीक है, और ग्रेड जो है सबका अलग अलग है। तो अब जो पीले रंग की इंसर्ट है, ऐसा नहीं है कि पीला इंसर्ट सारा पीला ही है एक जैसे, ये नहीं, सबकी ग्रेडिंग अलग चीज अलग अलग है। जैसे कहते हैं ना, हर पीली दिखने वाली चीज जो है सोना नहीं होती, तो इसमें हर जो पीला पीला दिखाया दे रहा है, ऐसा नहीं सब एक ही है, सब अलग अलग ग्रेडिंग है। वो साइंटिफिकली तरीके से अलग अलग उसकी कोटिंग करी गई है, उसमें अलग अलग फार्मूला बना हुआ है, फार्मूले से बना हुआ है। तो वो अलग अलग ग्रेड जो है वो अलग अलग मटेरियल पे यूज करने के लिए है। तो ग्रेडिंग देख लिया आपने, आपने ज्योमेट्री देख ली, आपने शेप देख लिया। दोस्तों अब जो तीसरा, जो ये वाला जो पॉइंट आएगा आपका, ये क्या है दोस्तों, इसको जो है ना, ये इंसर्ट का जो है आपको क्लियरेंस एंगल बताएगा कि इसका क्लियरेंस एंगल कितना है, कितना इसमें जो डिग्री है, जिस समय ये कटिंग करेगा उस समय एंगल होना बहुत जरूरी है इंसर्ट में आपके। तो काफी जो है ये भी पूछते हैं मेरे से, सर ये पॉजिटिव इंसर्ट्स कौन सा है, नेगेटिव इंसर्ट्स कौन सा है। तो मैं आज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताता हूँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही बताएगा ये आपका इंसर्ट का,
इंसर्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के यहां पर समझाऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। ये क्लियरेंस एंगल है, इसी को पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। अब मैं इसे शो करता हूं दोस्तों, तो मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटाऊंगा यहां पे, ठीक दोस्तों। जो हमारा इंसर्ट है ना, वो इंसर्ट जो है इस तरीके से सीधी भी होती है हमारी। ये मैं साइड व्यू बना रहा हूं इंसर्ट का भी। ये इंसर्ट जो है मैंने ऐसे बना दिया उठा के बिल्कुल, तो ये इंसर्ट जो है ना इस समय बिल्कुल राइट एंगल है, ये 0 डिग्री है। तो इस समय क्या है, ये इंसर्ट जो है ये 0 डिग्री है। तो इस टाइप की जो इंसर्ट होती है दोस्तों, वो हम ना ओडी पे यूज करते हैं आउटर डायमीटर के ऊपर, ठीक है। तो ओडी पे यूज करने वाली जितनी भी इंसर्ट होगी 0 डिग्री होती है। तो ये 0 डिग्री इंसर्ट जो है हम ओडी पे यूज करेंगे कि अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट है उसे हम कटिंग करेंगे, तो ये कोना अगर हमारा ऐसा शार्प होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कि ये पीस है, कोई कंपोनेंट है हमारा, और हमने कोई टूल लगाया यहां पे। मान लीजिए हमारा ये टूल है, ये टूल है। अभी यहां पे मैंने क्या, ये क्लियरेंस दे दिया। अगर क्लियरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीज ऐसे ना होके बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। अब जब इसका कोना नीचे से लेके ऊपर तक यूज होगा तो क्या है, कटिंग हमारा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है कि नीचे ना हल्का क्लियरेंस होना चाहिए इसमें, इस तरीके से होना चाहिए। तो ओडी वाले पे क्लियरेंस नहीं होता इंसर्ट में। उसमें क्या होता है, हमारा टूल होल्डर होता है ना, उसमें क्लियरेंस होता है। इंसर्ट हमारी 0 होती है बिल्कुल, वो स्ट्रेट होगा, वो स्ट्रेट इन द सेंस वो ऐसे सीधा होगा बिल्कुल। लेकिन क्या होगा, टूल जो होगा टूल में डिग्री होगी हमारे, जो टूल होल्डर में जिसमें हम इंसर्ट को टाइट करेंगे तो उसमें डिग्री होती है। तो क्या होगा, वो टेढ़ा हो जाएगा आपका। मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा दोस्तों, ये देखिए टूल है, ये टूल जो है अगर ऐसे टच हो जाएगा तो कटिंग नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा, उसे यहां पर डिग्री बनानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। मैं आपको कैमरे में जूम करके दिखाता हूं, देखिए दोस्तों ये टूल है हमारा। ये टूल में देखेंगे आप तो, ये आपको मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूं। ये देखिए, ये ना, ये देखिए डिग्री है, ये सीधे नहीं है। ये तो सीधा कैसे होता, सीधा देखो ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन क्या, टूल जब बंधेगा तो ये डिग्री है, ये इसमें टेपर है। तो क्या है कि जो कटिंग एज है वो कटिंग एज ही टच करेगी हमारे कंपोनेंट को, नीचे वाला एरिया फ्री रहेगा, ये नीचे वाला एरिया हमारा दोस्तों फ्री रहेगा बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए ये हमारा कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट पे देखिए, ये टूल है, ये मान लीजिए चक्के में बंधा हुआ है पीस, ये कंपोनेंट हमारा है ये। तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए डिग्री है इसमें, ये डिग्री जो है दोस्तों 4 से 5 का होता है। चाहे इस फेस पे लगा के देख लो आप, ये ऐसे रहेगा हमारा हमेशा। अगर ये ऐसे हो गया ना, ऐसे टच कर गया तो ये कटिंग नहीं कर पाएगा, तो इसको ऐसे चाहिए ही चाहिए। तो ये जो होती है क्लियरेंस एंगल होती है हमारी, ठीक है दोस्तों। तो ओडी वाले टूल में क्या है दोस्तों, इंसर्ट में तो क्लियरेंस नहीं है, इसमें टेपर नहीं है, बट हमारा क्या है, हमारा जो टूल है उसके अंदर टेपर है, उसके अंदर एंगल है। तो इस वजह से हमारा टूल में जब इंसर्ट बन जाएगा तो खुद उसमें क्लियरेंस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज आपके यहां समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा जो इंसर्ट है, तो इंसर्ट में क्या होता है, इस तरह का होता है हमारा, ये इंसर्ट है हमारा। जिस इंसर्ट में ये 0 होगा ना बिल्कुल, मतलब टेपर, या इसमें कोई डिग्री नहीं होगी, तो वो जो है वो एन कहलाएगा हमारा। एन का मतलब हो गया न्यूट्रल, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल 0 डिग्री है ये। ओके, ये न्यूट्रल होगा, तो जो भी न्यूट्रल होगा इंसर्ट उसके आगे एन लिखा होगा, एन एन सी। सी का मतलब क्या है कि क्लियरेंस है हमारे इंसर्ट में सी। अब वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, सी में क्लियरेंस कितना है हमारे। तो कितना क्लियरेंस है दोस्तों देख लीजिए आप, ए को कहते हैं 3 डिग्री,
बी को कहते हैं 5 डिग्री, सी को कहते हैं 7 डिग्री क्लियरेंस एंगल, इसे ही कहते हैं माइनस नेगेटिव। नेगेटिव जो कहते हैं ना, नेगेटिव इंसर्ट पॉजिटिव इंसर्ट, ये नेगेटिव हो जाता है सारा, डिग्री बढ़ते हैं नेगेटिव हो जाएगा ये हमारा। तो ये क्या है, ये हमारा 0 डिग्री है ये, बट ये एक है 3 डिग्री, मतलब जो हमारा इंसर्ट है उसमें ये टेपर ऐसे आ जाएगा हल्का सा, ये टेपर आ जाएगा दोस्तों। ये जो एंगल है ये 3 डिग्री भी हो सकता है आपका, ये 5 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है। अगर 60 डिग्री 7 होगा तो हम इसी को बोल देते हैं कि ये सी हो गया हमारा, अगर ये 5 होगा तो ये बी हो गया, और 3 हो गया तो ये ए हो गया हमारा, और अगर ये सीधे इंसर्ट तो हमारा क्या है ये एन, न्यूट्रल। एन को डिनोट किया 0 डिग्री से। तो ये दोस्तों एक क्लियरेंस एंगल है इंसर्ट का हमारा। अब मैं आपको इंसर्ट दिखाता हूं, और मैं आपको दोस्तों दो इंसर्ट में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, दो इंसर्ट की मैं आपको तुलना करके दिखाऊंगा कि वो जब सी सी है तो क्या है और सी एन है तो क्या है। आइए शुरू करते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, दो इंसर्ट है मेरे पास दोस्तों, ये दो इंसर्ट है मेरे पे, ये मैंने दिखाया था कि दोनों हमारी क्या है सी है, ये देखिए सी है ना, दोनों दोनों का साइज अलग है लेकिन है ये सी। अब ये क्या है दोस्तों, ये वाली इंसर्ट जो है ये एन है, सी एन, मतलब ये जो इसका एंगल है ये बिल्कुल 0 डिग्री है, सीधे है, बिल्कुल सीधे है ना, ये सी एन है, इसीलिए सी एन है ये। और ये क्या है, ये सी तो है लेकिन ये एन नहीं है, एन क्यों नहीं है, ये देखिए इसमें देखिए, आप देखेंगे दोस्तों कैमरे पे दिखा रहा हूं, काफी माइनर सी चीज है, पता नहीं समझ में आया नहीं आए, ये देखिए इसमें हल्का टेपर है, और टेपर दोस्तों ज्यादा नहीं है, 60 डिग्री का है, 7 डिग्री ओनली, तो ये सी सी हो गया। अब ये बिल्कुल सीधा नहीं है, अब सीधा नहीं है तो क्या है ये सी है। अब इसे आप इसे पलट दो, तो क्या होगा, दूसरी साइड जो है बिल्कुल प्लेन है, ये आप दूसरी साइड से यूज नहीं कर सकते। अगर इंसर्ट एन होगी ना आपकी तो ही आप दूसरी साइड से पलट सकोगे, एन का मतलब सीधे है, सीधे है तो क्या है मतलब, ये देखिए ये आपका एन है, ये सीधे है, इसलिए जितने भी एन वाले इंसर्ट होते हैं चाहे वो टी एन हो या सी एन हो या डी एन हो या वी एन हो, तो एन वाला क्या है दोनों साइड से यूज हो सकता है, देखो है ना, दोनों साइड ज्योमेट्री बनी है, दोनों साइड से यूज हो जाएगा क्योंकि सीधे है। बट इसमें क्या हो गया, इसमें एंगल होने की वजह से क्या हो गया कि पीछे जो है इसमें कुछ नहीं बन सकता क्योंकि ये डाउन पॉइंट हो गया, डाउन पॉइंट तो कभी काटेगा नहीं, हाई पॉइंट ही काटेगा ना, तो ये आपका देखिए हाई पॉइंट है। तो जो जितनी भी एन को छोड़कर जितनी भी इंसर्ट होंगी ना, चाहे वो सी हो चाहे बी हो चाहे ए हो, मतलब डब्ल्यू के बाद या सी के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा आपका, वो अगर एन नहीं है तो वो एक साइड से इंसर्ट आपकी यूज हो पाएगी। इंसर्ट ये दोनों देखिए अलग अलग क्या डिफरेंस है, एक इसका ज्योमेट्री फर्क है, एक इसका ग्रेड में फर्क है, ठीक है, एक जो है सी एन है और दूसरा सी सी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हम तीसरे वाले पॉइंट पे, इस वाले पे, दोस्तों ये एम जो है, एम जैसे हम सीएनसी पे कंपोनेंट्स बनाते हैं तो हमें टॉलरेंस मिलती है प्लस माइनस में, कि ये फलाना फलाना डाया है 20 mm, तो +-10 μm, +-5 μm, +-20 μm, जो भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये एम क्या है, एम जो है टॉलरेंस क्लास है, इंसर्ट की टॉलरेंस है। इंसर्ट में किसकी चीज की टॉलरेंस है, इंसर्ट की मोटाई की, इंसर्ट के रेडियस की, ठीक है, इंसर्ट के साइज की, जो छोटा बड़ा साइज दिखाया है ना उसकी टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस क्या है, एम है, एम में जैसे दे दिया +-15 μm, जी में कुछ दे दिया 5 μm, तो ऐसे ऐसे टॉलरेंस है। तो ये एम में क्या है, टॉलरेंस है, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता हम पे दोस्तों। अभी मैं इसका जो है पीडीएफ फाइल अभी लोड करूंगा, आगे वेबसाइट पे मिल जाएगी मेरे, अभी इस समय तो नहीं है बट आगे वेबसाइट पे मैं डालने वाला हूँ, आपको जी और एम कोड की लिस्ट भी मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में, और जो इसका जो है आपको पूरा का पूरा कैटलॉग जो है वो भी डाउनलोड करने को मिलेगा मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। तो एम जो है टॉलरेंस है, एम टॉलरेंस किस चीज का, मोटाई का, इंसर्ट के साइज का और इंसर्ट की रेडियस का, जो हम कहते हैं ना 0.8 0.4 उसका। अब मैं ये भी आपको एक बार दिखा देता हूं इंसर्ट में, ये एम क्या है,
ये देखिए जो M है ना वो क्या क्या चीज है। एक तो जो ये मोटाई है, अगर मैं ऐसे करके इसे वर्नियर कैलिपर से नापू तो मोटाई, अगर मोटाई इसकी 4 mm है तो M का मतलब हो गया कि कैटलॉग के हिसाब से आप चेक करोगे तो 10 से 15 माइक्रोन का वेरिएशन होगा आपके इंसर्ट में। कोई इंसर्ट आपको 4 मिलेगी, कोई आपको 4 mm में 15 माइक्रोन प्लस मिल सकती है, 15 माइक्रोन माइनस मिल सकती है। एक ये, और जो ये हमारा इंसर्ट का साइज है उसमें 15 माइक्रोन प्लस माइनस का फर्क आ सकता है, ठीक है। और जो इंसर्ट की रेडियस होती है, ये कहते हैं दोस्तों रेडियस को, देखो ये जो है ना, ये रेडियस है हमारा, ये दोस्तों इसको जो है रेडियस कहते हैं। तो इसके टॉलरेंस क्लास है, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा हमारे किसी चीज पे, इंसर्ट पे। तो हर चीज की टॉलरेंस होती है अपनी, तो ये जो है दोस्तों ये हमारा टॉलरेंस है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये टॉलरेंस है। ये जो ये चौथा वाला है दोस्तों, इसे कहते हैं इंसर्ट की फीचर क्या है, इंसर्ट फीचर। इंसर्ट का फीचर क्या है दोस्तों, इंसर्ट का फीचर का मतलब क्या हुआ कि इंसर्ट को हम किस किस हिसाब से टाइट कर सकते हैं, उसको स्क्रू से टाइट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसका होल कैसा है, जो बिटवीन सेंटर जो उसका होल होगा ना इंसर्ट में, उसका पता लगता है हमारा। तो जितने भी हमारे इंसर्ट जो होते हैं, ये WNMG हो गया, CNMG हो गया, T हो गया, तो मैं आपको अभी एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी जो आप कैटलॉग डाउनलोड करोगे ना PDF फॉर्मेट में, उसमें पूरा डिटेल है, उसका एक चार्ट है बहुत बड़ा, तो वो याद ऐसा नहीं है कि वो याद होता है, मैं हमें चार्ट में देखना पड़ता है उसको। तो बाकी आपको मैं यहां समझा देता हूं कि दोस्तों जो हमारा इंसर्ट होता है उसको हम स्क्रू से भी टाइट करते हैं, बोरिंग बार में देखा होगा स्क्रू होता है। तो स्क्रू हमारा कैसा होता है, स्क्रू हमारा कुछ इसी हिसाब से तो होता है। इसमें क्या होती है, इसमें चूड़ी कटी होती है और ऐसे इसमें एक काउंटर बना होता है इस तरीके का। तो अगर कोई इंसर्ट हमारे पास है तो उस इंसर्ट में ऐसा आकार होगा, तभी तो ये वाला काउंटर से जब इस स्क्रू से इस इंसर्ट को टाइट करेंगे तो जो ये टेपर है, स्क्रू में जो टेपर है वो इस टेपर से मैच होकर टाइट हो जाएगा हमारा। तो जो इस तरीके का जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम टी से डिनोट करते हैं, CCMT। ये टी जो है ना, टी में क्या होता है, एक साइड से इस तरीके से आपका काउंटर होगा इस तरीके से टी में, ठीक है। और अगर आपका CNMG है तो इसमें क्या होता है इंसर्ट, इसमें इंसर्ट आपका ऐसा होगा सिंपल, ठीक है। तो ये होल्स पे डिपेंड करता है कि होल्स कैसा, वन साइड होल है तो इसमें क्या है काउंटर, इसमें एक साइड है तो इसको क्या कह दिया, इसको कह दिया हमने टी। और जो GHCNMG उसमें क्या है सिंपल है, वो क्या होगा, वो स्क्रू से टाइट नहीं होगा, वो स्क्रू से टाइट नहीं हो पाएगा, उसमें काउंटर नहीं होता इतना, बस माइनर सा एक चैम्फर टाइप होता है हल्का सा, ये काउंटर नहीं है एक्चुअल में, ये बहुत छोटा सा है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी आपने टूल होल्डर देखे होंगे ना ओडी वाले, वो क्या होता है, वो स्क्रू से कम टाइट होंगे, वो ज्यादातर टाइप जो होता है टॉप क्लैंप से होता है, ऊपर से लीवर आएगा, वो लीवर क्या करता है उसको दबा देता है। ये देखिए जैसे ये टूल है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए देखिए, ये स्क्रू से टाइट नहीं है हमारा, ये हमारा क्लैंप से टाइट है। अगर स्क्रू से टाइट होता तो इसमें भी एक काउंटर होता बड़ा सा स्क्रू से टाइट करने के लिए, जैसे मैंने आपको CCMT में दिखाया था। तो इसी तरीके से ये टी वाले में क्या है, टी वाले में ऐसे काउंटर है, और जो जी वाला है उसमें क्या माइनर सा चैम्फर टाइप लगा हुआ हल्का सा, वो आपका स्क्रू से टाइट नहीं हो पाएगा, वो टॉप क्लैंप से टाइट होगा, जैसे मैंने टूल होल्डर में भी आपको दिखाया है, ठीक है दोस्तों। ये भी क्लियर हो गया आपको दोस्तों। और जो ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 08 16 09 16 16 16 16, जो ये वाला साइज है दोस्तों, ये क्या डिफाइन करेगा, ये आपको बताता है
कि आपके इंसर्ट का साइज क्या है, साइज ऑफ इंसर्ट। दोस्तों आपने इंसर्ट मैंने अभी शुरू में दिखाया था आपको, WNMG दिखाया था मैंने, तो WNMG में एक बड़ा भी था, उससे भी छोटा था और इससे भी छोटा था। तो इंसर्ट तो WNMG है, लेकिन साइज क्या है उसका, बड़ा है छोटा है कैसा है? तो ये साइज को डिफाइन करता है, 08 16, 09 16 16 16 16। तो ये है क्या साइज, हम नापते कैसे हैं? मैं ये बता रहा हूं, बट आप इसे नापना मत। ऐसा नहीं है वर्नियर कैलिपर लिया है, माइक्रोमीटर लिया और आपने साइज नापना चालू कर दिया, कि दूसरा आदमी देख लेगा तो पागल ही समझेगा कि पागल है लगता है ये, ठीक है ना? तो उसे चेक नहीं करना, बट मैं बताता हूं कि ये साइज का हम पता कैसे करते हैं कि साइज क्या है। मान लीजिए ये TNMG है ये, ठीक है? तो इसमें क्या है साइज का, ये मान लीजिए ये एक होता है इनस्क्राइब्ड सर्किल और एक होता है आउटस्क्राइब्ड, ठीक है? तो इनस्क्राइब्ड में क्या है कि कोई भी इंसर्ट है ना, तो उसके अंदर का इस तरीके से अगर गोलाई बन गया, ये 8 दिखा रहा था, 8 mm हो गया इसका मतलब, लेकिन नापना नहीं है, कभी नापने से नहीं पता चलने वाला, ठीक है? तो ये जो है ये अंदर से ऐसे नापेंगे तो इसको तो हम बोल देंगे इनस्क्राइब्ड। अगर दोस्तों इसी इंसर्ट को बाहर से नापेंगे ऐसे करके, तो ये कहलाएगा हमारा आउटस्क्राइब्ड सर्किल, ठीक है दोस्तों? तो ये जो है ये मेंशन करता है साइज क्या है हमारे इंसर्ट का। जो आप इसका यूज करोगे इंसर्ट का ना, तो आपको धीरे धीरे अपने आप देख के बता दोगे आप ये साइज क्या है इसका, ठीक है? इसे कभी नापना नहीं है कभी भी, ठीक है दोस्तों? अब हम आते हैं इस वाले पे, बीच में जो दे रखा है ये 06 04 04 T3, ये सब दोस्तों ये जो है ना इंसर्ट की मोटाई जो है थिकनेस, इसको मैं यहां लिख दूंगा थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या हो गया, इंसर्ट की मोटाई, इंसर्ट मोटा कितना है हमारा। जैसे ये इंसर्ट है हमारा, ये देखिए इस इंसर्ट की मोटाई नापनी पड़ेगी, तो ऐसे नापेंगे ना वर्नियर से, हम इस तरीके से नाप लेंगे इंसर्ट को। तो ये इंसर्ट की मोटाई हो गई आपकी, तो ये 6 mm है, 4 mm है, तो सबका अपना अलग अलग साइज है इसका एक, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों ये क्या है लास्ट वाला जो बचा हुआ है, ये 0408, ये इंसर्ट की रेडियस है, जो हम कहते हैं ना 0.4 0.8 की रेडियस है, क्या है क्या नहीं है, तो ये वही सेम चीज है 0.4 0.8। दोस्तों जो इंसर्ट है उसका जो एज है, कॉर्नर जितना शार्प होगा, उसमें जितनी ज्यादा चोंच नुकीली होगी वो उतनी ज्यादा फिनिश कटिंग करेगी, इसलिए हम 0.4 का जो यूज है फिनिशिंग में करते हैं, ठीक है? और 0.8 का या उससे ऊपर का रफिंग में करते हैं। तो 0.8 से भी काफी लोग फिनिशिंग करते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि 0.4 से ही होगा, 0.8 से भी कर सकते हैं, बट 0.4 जो है ज्यादा बेटर है इससे। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।